एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच चुके थे। बीते कई सालों में किसी भारतीय मंत्री का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी मौजूद था। उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाई गई। इस दौरान एस जयशंकर का स्वैग देखने को मिला। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे और उनका काला चश्मा पहन विदेश मंत्री ने बता दिया कि वो पाकिस्तान को किस तरह से भाव देने वाले हैं। रावलपिंडी एयरबेस पर सबसे पहले वो विमान से उतरे तो बच्चों ने उनका बुके देखकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान अधिकारी से हाथ मिलाया। इसके बाद चलते चलते उन्होंने अपना रेगुलर चश्मा उतारा और ब्लैक कलर का सनग्लास पहन लिया। आपको बता दें, बीते 9 सालों में पहली बार है कि भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान गया हो। आखिरी बार दिवंगत नेता और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिसंबर 2015 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। वो अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी। आपको बता दें, शरीफ एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए उन्हें रात्रि भोज देंगे। दोनों पक्षों ने पहले ही एससीओ के शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के दौरान जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच किसी भी दो पक्ष की वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा बेहद इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और इसे नई दिल्ली की ओर से एक अहम निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने हाल में एक समारोह में अपने संबोधन में कहा था, भारत किसी भी पड़ोसी की तरह निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा। जयशंकर ने कहा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद पर ध्यान नहीं देकर और ख्याली पुलाव बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ मंत्री को भेजने के निर्णय को एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के रूप में देखा जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।